Gurugram police in a joint operation with National Investigation Agency on May 28 arrested YouTuber influencer Bobby Kataria. YouTuber was arrested following a raid at his residence during which cash of around 20 lakh rupees and four mobiles were recovered from his possession. Bobby Kataria was arrested under the relevant charges of IPC Section 420 and Immigration Act. सेंट्रल एजेंसी के इनपुट पर गुड़गांव पुलिस ने रेड की थी और इसमें शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि बॉबी कटारिया से उसका संपर्क हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें बॉबी कटारिया ने उसको कहा कि वे वो उसको यूएई में नौकरी दिलवा सकता है, जिसकी एवज में बॉबी कटारिया ने उससे करीब करीब 4 लाख रुपए लिए और उसके बाद उसको तथा उसके एक अन्य दोस्त को लाओस एक जगह है साउथ एशिया में, वहाँ बॉबी कटारिया ने उनको भेज दिया फ्लाइट से। वहाँ बॉबी कटारिया के बताए हुए कुछ और लोगों ने इनसे संपर्क किया, इनको वो एक किसी चाइनीज कॉल सेंटर में लेकर के गए जो जहाँ पर कि इनसे इनके पासपोर्ट छीन लिए गए और इनको वहाँ पर उस फर्जी कॉल सेंटर में नौकरी करने के लिए मजबूर किया गया, जहाँ से इस लड़के ने 2-3 दिन के बाद वहाँ से जब भाग करके कहीं सरकारी किसी ऑफिसर्स के पास कॉन्टैक्ट किया तथा उसके बाद ये वापस इंडिया आया। तो इसने गुड़गांव पुलिस को एक शिकायत दी, जिस शिकायत के ऊपर गुड़गांव पुलिस ने तथा सेंटर की एजेंसी इनपुट के ऊपर काम करते हुए बॉबी कटारिया को कल उसके ऑफिस सेक्टर 109 से गिरफ्तार किया गया, जहाँ से अभी तक आगे केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। लगभग कितने पैसे लिए गए थे, कितने और लोगों को भेजा गया सर, क्या कुछ बताया जा रहा है कि इसका पाकिस्तानी एजेंट भी वहाँ पर मौजूद था और उसके साथ मारपीट की जाती रही है लगातार? कॉल सेंटर की बात करें तो क्या कुछ कॉल सेंटर में इससे करवाया गया सर? अभी तक तथ्यों की जाँच की जा रही है, फिलहाल तक ये सामने आया है कि एक शिकायतकर्ता था उसके एक दोस्त को बॉबी कटारिया ने वहाँ भेजा था और जो एलिगेशन कंप्लेन में लगाए हैं उनके बारे में अभी उसको पेस करके कोर्ट से रिमांड भी ले जाएगा और फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें जो भी रिव्यू होगा उसके अनुसार काटेंगे। बॉबी कटारिया पहले भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं? जी, बॉबी कटारिया के खिलाफ करीब करीब 7 केस पहले उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, अलग अलग धाराओं में ये केस रजिस्टर है, ये उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री। अब किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? अभी फिलहाल पुलिस ने मारपीट की धाराओं में 420 में तथा मानव तस्करी की धाराओं में तथा इमिग्रेशन एक्ट में ये केस रजिस्टर किया है, जिसके ऊपर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। सर, बॉबी कटारिया के अलावा कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुछ बरामदगी हुई है इनसे? इससे फिलहाल कुछ कैश, कुछ डॉक्यूमेंट्स तथा कुछ मोबाइल फोन सभी पुलिस ने रिकवर किए हैं, बाकी जैसा भी पुलिस रिमांड के दौरान जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई।